और अब दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में लेडी कांस्टेबल के कत्ल केस की इब्तदाई तफ्तीश में आम पेशरफ सामने आई है। सुमन को कत्ल करने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली गई, मुलजिम फारूक पुलिस कांस्टेबल निकला। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर आप बताइए तफसीलन। शाहजेब, यह वाक्य आपसे कुछ देर पहले थाना हरबंसपुरा के हदूद में मेन केनाल रोड पर पेश आया है, जहाँ पर सुमन नामी खातून कांस्टेबल को 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। खातून जो है एक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जाए हुआ ताकि आई थी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और अचानक से मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसके जद में आकर खातून कांस्टेबल मौके पर जामहक हो गई और मुलजिम जो है एक पार्क हुई किसी दूसरे शख्स की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पुलिस का यह कहना है कि यह वाकया रिश्ते के तनाजे पर पेश आया और फायरिंग करने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है, फारूक लाहौर पुलिस का ही एक कांस्टेबल बताया जाता है। पुलिस का यह कहना है कि क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से मुलजिम की शनाख्त की गई है। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर छापामार कार्रवाइयां भी की जाएंगी और पुलिस का दावा है कि जल्द मुलविस मुलजिम फारूक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस कत्ल की वारदात के हवाले से मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान।